सुनते कानो देखिए को मेरा सलाम, क्या हाल है दोस्तों। मालदीव से गलियों और इस खूबसूरत नीले रंग के पानी से हम आपको खुशामदीद करते हैं। सिनेमैटिक सारी खूबसूरत ड्रोन शॉट तो आपने देख लिया, लेकिन रिलेटेबल होने के लिए हम आपको दिखाएंगे आपकी आंखों से कमरा कि इस कमरे में क्या क्या फैसिलिटीज है, यहाँ पर किस किस तरह के कमरे हैं, वाटर वेला बीच एंड वट एल्स, खाने में क्या क्या। तो आप जुड़े रहिए ना, चलें सुनिए कि दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर विला। ये सारे इस वक्त ये वाटर वेलाज ही हैं और ये सारे महल है बीच वाले। हमारा लास्ट है ऑलमोस्ट, बिकॉज हमारे एजेंट ने थोड़ा मसला कर दिया था। अब हम एंटर होते हैं अपने विले में। इट्स द 763, इसको हम हटाएंगे। साथ ही इफ़ यू एंटर वी हैव दीज टू, वन दिस एंड वन दिस गेट। पहले इन्हें खोल दें। सो हियर वी हैव अ नाइस वॉशरूम। ये दो बेसिन लगे हुए हैं, यहाँ से आप राइट हैंड धोएंगे, यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड धोएंगे। उसके बाद ये आपको ओपन एयर वॉशरूम और ये सॉर्ट ऑफ शावर, सॉर्ट ऑफ क्या है शावर। उसके बाद फ्रॉम हियर यू हैव अ नाइस व्यू ऑफ बालकनी थोड़ा सा, बट यू कांट गो आउटसाइड यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द क्लोजेट थिंग, देखेंगे लॉकर भी है, यू हैव ऑल ऑफ द शेल्फ्स एंड इस्त्री भी है, मतलब हैंगर शेंगर सारा कुछ गुड सीन किया हुआ है। उसके बाद दिस इज़ द रूम, दिस इज़ सलमान, वो हमारा आज वाला व्लॉग। और क्या देख रहे हो तुम, अभी भी मालदीव की इंसान मालदीव जाके भी ये मालदीव की फ़ोटोज़ देख रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ख्वाहिशात बढ़ती रहनी चाहिए। दिस इज़ द टेबल, थोड़ा सा डाइनिंग टाइप। ये है हमारी मिनी बार, किथे गई, लेकिन इसके यू नो द चार्ज सम हाउ एक्स्ट्रा, बट क्योंकि हम ज़रा थोड़े बजट में हैं तो हम नहीं इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल पानी की बोतलें भी हैं। ओ सॉरी सॉरी, ये नहीं ये वाली, सॉरी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम। तो पानी की बोतलें, ये चार चूदा सामान, उसके बाद ये सारा कुछ एंड दिस इज़ द खूबसूरत किस्म का बेड। अगर मैं आपको तकिए में कसुना मार के दिखाऊँ तो ये देखें कितना कोई गुड सीन है इसका। इट्स वेरी कम्फर्टेबल। टी वी शीवी भी रखा हुआ है इन्होंने, रात को एयर भी आ रहा था इसलिए मैं तो परेशान हो गया था। ये हमारा व्यू है जो बाहर का, जिसके सारे पैसे हैं वो दोस्तों हम आपको लेके जा रहे हैं इन 3, 2, 1। ये हमारा बाहर भी एक काउच पड़ा हुआ है, कास्टिंग काउच के हम बाहर काउच पड़ा हुआ है नहाने के लिए। इतने सारे पानी के बावजूद यहाँ पर दिया हुआ कि आप पानी डाल के नहा सकते हैं। वी कैन हैव अ नाइस लाइक सिटिंग हेयर। जब यहाँ पे सनराइज तो होता है, सनसेट तो नहीं होता, सनराइज होता है यहाँ पे। ये बैक यार्ड व्यू है, और भी काफी सारे आइलैंड्स हैं। एक ये भी आइलैंड है, फिर एक ये आइलैंड है, फिर एक ये आइलैंड है, करीब बहुत सारे हैं, यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट। और जो वॉशरूम से मैं आपको एक व्यू बता रहा था कि वॉशरूम में भी एक निकलने का रास्ता है बाहर, इट इज़ दिस वे, यहाँ से आप ज़रूर जा सकते हैं। देखें दिस इज़ द वॉशरूम एंड एक्चुअली दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अनदर बालकनी। तो अभी इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग, तो 7:30 से लेकर 9:30 तक यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है। अगर आप फुली बुक करते हैं अपने विला को हर फैसिलिटी के साथ, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और अकॉर्डिंग टू देम दे सर्व 250 डिशेज, बट मेरे ख्याल से रात को हमने खाया खाते इसे तो कम थे, लेकिन खाना बहुत ही फिट किस्म का था। इधर बहुत सारे लोग बहुत ही खुले जिस्म के साथ फिर रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करी, मैंने कुछ नहीं देखा है। हमारा ये वाटर विला, लेकिन उसके साथ साथ बीच के भी मज़े पूरे। कौन सा कराना है? कोई वाला भी नहीं कराना, नहीं बताता मामा को आपकी मैं, नहीं नहीं उतरी ये तो हमने अब पढ़ा है। साइकिल अभी वो कह रहे हैं जी 8 बजे उसका दुकान खुलेगा साइकिल वाले का। एक होता है आप बाहर के मुल्क जाते हो, इट्स वेरी इजी के सारे गोरे फेरे और आप पंजाबी में बेशक जो मर्जी बात करो कि दूसरे के बारे में, यहाँ पे सारे असल में गोरे नहीं हैं। यहाँ पे मालदीवियन भी थोड़ी हिंदी बोलते हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मालदीव इज़ एक्चुअली अ मुस्लिम कंट्री, इसलिए सारे खाने यहाँ पे हलाल हैं, ठीक है। पहले खाने दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट के। ब्रेकफास्ट करेंगे दोस्तों हम ये बर्चर मूसल, लेकिन छोड़े आप, मुझे नाम भी नहीं आ रहा। ये कुल ताज़ा किस्म के फल पड़े हैं, ये दुआना पड़ा हुआ है, इन्होंने किन्नू काट के रखा हुआ है, नाशपाती रखी हुई है, खरबूज़ा, ये क्या होते हैं, केले। यहाँ पे हमारे पास मीठे का बहुत गुड किस्म का सामान है। ये मेरे ख्याल किसी की सैरी बन रही है, अगर आप देसी हैं तो यू शुड नो कि ये अंडा सैरी में खाया जाता है। डाइन आउट भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर मौसम इतना शदीद गर्म हो तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, हम तो अंदर ही बैठ के खाना पसंद करेंगे। नाश्ते में हम लाए हैं जी ये पैनकेक
और साथ हम लाए हैं वेजिटेबल और साथ ये पचूरा। नाश्ता कर लिया, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बाइसिकल पॉइंट, साइकिल रेंट पे लेते हैं क्योंकि अभी ही थोड़ा सा टाइम है कि वी कैन एंजॉय आउटसाइड, वरना उसके बाद सीधा अंदर बैठने वाला मौसम हो जाने क्योंकि शदीद गर्मी है। कैमरा हमने रख दिया क्योंकि साइकिलिंग करनी है, कहाँ पकड़ेंगे, गोप्रो हमने हाथ में पकड़ लिया। बताएं गाइस ऐना कैसी लग रही है, लग रहा ना पप्पू बच्चा खुशीन है यार। मतलब साइकिल ही नहीं है अवेलेबल फॉर रेंट, मैं तो सोच रहा हूँ यही काम शुरू कर दें यहाँ पे। दो दिन बाद कल शाम को हमारी वापसी है। एंड बट Hi guys, I am under the water. Please help me. You're too much raining. I wish दो चीज़ें होती, एक मेरे सिक्स पैक्स और दूसरा स्विमिंग स्किल्स। आह आँखों में सारा नमकीन पानी चला गया दोस्तों, मेरे जिस्म पे नमक लग चुका है। आप में से किसी ने फ्राई करके खाना तो मुझे वो खा सकता है। मुझे लगा जाली है इसलिए मैं कहा उंगली मार के चेक कर लें, पाकिस्तानी है ना उंगली मारने की आदत है हर एक जगह पर। चिकन विंग्स, फल फ्रूट पड़ा हुआ बट लाइक इट इज़ फ्रेश, सुबह वाला नहीं है मेन्यू, सुबह वाला बट इट इज़ टोटली फ्रेश, फुल नए मीठे। हाँ 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 क्या हाल है? बहुत बढ़िया। मैं इनकी बात कर रहा हूं दोस्तों आपसे, क्या नाम है आपका? प्रधान, रमाकांत प्रधान। और बड़ा बेहतरीन खाना है यार, मजा आ गया। कहां से आओ? मैं ओडिशा से। ओडिशा? हां, ये कलकत्ता के पास है बिल्कुल। ओडिशा, पहले ओडिशा उसके बाद वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। चलो बेहतरीन यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो बेसिकली आई हैव आल्सो वन YouTube चैनल, सो यू कैन सर्च मी सेफ रमाकांत प्रधान, देन यू कैन फाइंड मी ऑल टिपिकल होम स्टाइल फूड। अरे पोठे सीधे काम कर लिए हमने, अभी इट्स टाइम, नमाज का टाइम है, ये जोहर का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, असर का शुरू होने वाला है, हम जोर असर कठी पढ़ लेंगे। मस्जिद है यार यहाँ पे, मुसलमान मुल्क है ना। इतनी हमारी इधर उधर की बातें हो रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक प्यारी बात भी शेयर कर दूँ। वो कहते हैं कि नमाज आपको जगह बदल बदल के पढ़नी चाहिए क्योंकि जब आप क़यामत वाले दिन अल्लाह के पास होंगे तो आपकी वो हर जगह उस नमाज की गवाही देगी और आपको अज़ाब से बचाएगी। और जगह बदलने का ये मतलब नहीं है कि आप रुकू कर रहे हो तो सजदा कहीं और कर दें, इसका मतलब ये है कि आप मतलब लाइक जब नमाज़ पढ़ रहे हो, जैसे आप इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, जैसे अब आपने मैंने आप असर की नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पढ़ ली, अब मगरिब की मैं वहाँ पे अपने रूम में पढ़ लूँगा जाना बिछा के, अशा की मैं किसी और जगह जा कर पढ़ लूँगा, तो हर वो जगह, अभी तक पाकिस्तान की काफ़ी जगह पर मेरी हो चुकी हैं ये काउंटिंग, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया, अब मालदीव्स, अब देखो कहाँ कहाँ तक जाती है, समझे बात। तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें, वीडियो ज्यादा देखने तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत आर्ट बाय वासिफ।